अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है तुम सब ठीक ठाक होंगे। भाई यार, आज मैंने चमन भाई को बुलाए लिया कि मेरी गाड़ी ले जाओ भाई, नहीं तो यार ये खड़े खड़े ना और काम निकाल देगी। आज चमन भाई रेडी है? हुक लगा दिया मैंने। चले चमन भाई, ज़रा प्यार से लेके जाइएगा, मेरी गाड़ी है, आपको पता है भाई। प्यार से लेके जाऊंगा क्या? गोद में बिठा के लेकर चले जाऊँ? लेकिन फिर भी ना भाई, ज़्यादा काम आएगा ना, आपसे निकलवाऊंगा मैं। फिकर नहीं कर, सही से लेके जाऊंगा। तू दुकान कब तक आएगा? पापा के साथ आऊंगा, पापा मुझे ड्रॉप कर देंगे, अभी जाना है यार पापा के साथ। चल ठीक है। तरीके से अगर ये गाड़ी चलाए ना तो मसला ही ना हो। सुबह सुबह साले ने मेरे को बुला लिया। चमन भाई लेफ्ट लेफ्ट। खुश है साले अब? हाँ चमन भाई, बस ध्यान से प्यार से। अरे चमन भाई, अब ऐसे ही टो होगी भाई। अरे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये ना हो बम्पर ही लटक के आ जाए। चल भाई अब खींचते वाले या तो कौन सा जिमी देख रहा है। ओके ऑल सेट एंड रेडी। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद, काफ़ी अरसे जो है सेविंग करने के बाद, खर्चे निकालने के बाद, टाइम आ गया अपना शौक पूरा करने का। लैंड क्रूज़र मेरे पास हुआ करती थी, मर्सिडीज़ मैंने रख के शौक पूरा करके खैर बेच दी और बिज़नेस की ज़रूरत भी थी। अब यार लेंगे रेंज रोवर, तो उसी के लिए जा रहे हैं। हाँ जिमी, फिर गाड़ी चली गई तुम्हारी? जी पापा, अभी लेकर ही गए चमन भाई। चलो ठीक है। और हाँ, बात कर ली यार गार्डनर से? जी पापा बात कर ली है। असल में यहाँ पे हम लोगों ने सेटअप लगाना है, अब बकरीद भी आने वाली, तो जानवर भी लेने हैं, तो कल या परसों हम लोग मंडी जाएंगे। जिमी सही से घास वास इसको बोल दिया ना काटने को? ये पापा। यार ये एक तो इससे मशीन स्टार्ट नहीं होती। पापा जल्दी चलने, फिर मुझे अपनी वर्कशॉप भी जाना है। ओहो जिमी जिम्मेदार, क्या बात है जिमी, प्राउड ऑफ यू। आप ही से सीखा है पापा। पापा आप तो भाई फाइनली आप अपनी पसंद की गाड़ी तो ले ही रहे हैं। हाँ यार जिमी, लेनी पड़ी यार अब। मैं तो आपसे कब से कह रहा था कि आप गाड़ी ले लें ले लें। तुम्हें पता है खर्चे कितने हो रहे थे यार जिमी? अभी तुम्हारी वर्कशॉप भी तो ली है, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। प्रॉफिट टर्नआउट तो हो रहा है ना? जी पापा आपसे मैंने पैसे मांगे इस मंथ। हाँ ये बात मुझे तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी यार, तुम प्रॉफिट निकालो और उसी से अपना खर्चा चलाओ, इसी तरह तुम्हें बिज़नेस की समझ आएगी और आगे तुम एक्सेल करोगे। जी पापा बस अभी यही गोल है मेरा कि अपना बिज़नेस ना प्रॉपर तरीके से सेटअप करना है। देखो आगे लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा, लॉस भी होगा, लेकिन तुम्हें लॉस और प्रॉफिट का ना अंदाज़ा हो जाएगा, बिज़नेस कर रहे हो ना। जी पापा आप अपने पैसे लगेंगे ना, तो ज़रा तरीके से करना पड़ेगा। देखा पता लगा जब अपने पैसे लगते हैं। जी पापा पार्ट्स मंगा रहा हूँ और जो क्लाइंट से मत्था खुआरी करनी पड़ती है ना, वो बहुत मसला हो जाता है। ये कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हो, मत्था खुआरी? मतलब वही क्लाइंट से जो है वो डील सेट करनी होती है कॉस्ट कटिंग में। हाँ ये बात करो ना। हाँ वो तुम्हें एक्सपीरियंस ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। फिर मंडी का क्या सीन है पापा, कब चलना है? तुम बताओ कल चलें या परसों चलें? मैं तो कह रहा हूँ कल चलते हैं, आश्रम भाई से मैंने बात भी की है। यार उससे जानवर लेना ज़रूरी है क्या, और कोई और मंडी नहीं लगी हुई? अरे कोई और मंडी तो लगी हुई है, लेकिन वहाँ हल्के जानवर हैं, अच्छे लेने हैं ना हमने तो। तो भाई वहाँ भी अच्छे होंगे, दूसरी मंडियों में चेक कर लो यार, तुम्हें पता है यार वो चूना लगा देता है। अरे कोई चूना ही नहीं लगाएगा, अशरफ भाई हैं यार अपने जानने वाले, सुनने में आया भाई बहुत अच्छे जानवर आए उनके। चलो देख लेते हैं यार। पापा आपने तो चेंज कर दी पूरी। हाँ यार ये सब रीवैम करना पड़ा। ओए होए कंटेनर आया हुआ है, ये चेंजेस वैसे कब किए? यार ये ऑफिस रिमूव करना पड़ा ना, फ़ायदा ही क्या है इसका, अब हम इसको एक तरह से वेयर हाउस स्टोरेज बना रहे हैं, तो अब फ़ायदा ही क्या है।
हाँ वैसे भी यहाँ गाड़ियाँ आएंगी और यहाँ स्टोरेज होंगे। और क्या, जब भी तो मैं कह रहा हूँ सारे कंटेनर्स यहाँ पे जमा होंगे ना, अभी जब अगली शिपमेंट आ रही है ईद के बाद, तो ये पूरी जगह जो है ना फुल विद कंटेनर्स हो जाएगी। अच्छा अभी तो दोबारा मैंने जो है वो मज़दूरों को बोला है कि यहाँ ना पूरी वॉल बनानी है, ये शीशा वीशा सब हटाओ। सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सिक्योर करना है। बाकी अपना गार्ड तो खड़ा होता है, इसको फुल टाइम रख लिया अब मैंने, रात में भी यही होता है। मैं तो कह रहा हूँ एक दो और रख लेते हैं। हाँ एक दो और रख लेते हैं, फिलहाल जो है अभी के लिए तो ठीक है, जब शिपमेंट आएगी तब ज़्यादा चाहिए होंगे। चलो यार कंटेनर खोलता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड पापा। ओहो जिमी लुक एट दैट। अरे पापा क्या चीज़ मंगवाई है आपने, है ना जिमी। अरे आप बैठे निकाले गाड़ी, मैं स्टोरी लगा रहा हूँ यार। ज़बरदस्त कलर मिल गया मुझे। आराम से पापा। ओए होए पापा क्या कलर है, है ना 2022 की रेंज रोवर यार। अरे पापा दिल आ गया, दिल आ गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कलर इतना अच्छा होगा यार। कलर तो बहुत ही अच्छा है यार, ये यूनिक कलर मिला है इंटीरियर के साथ, देखो बिल्कुल ब्लैक और डार्क ब्लू यार, ये बहुत रेयर होता है। टायर बहुत अच्छे लगे हुए। अरे टायर तो यार हाँ बिल्कुल स्पोर्टी बनी हुई है गाड़ी यार। ये हैंडल बार्स देखो इसके जिमी। अरे भाई बस पापा आप बैठ के टेस्ट ड्राइव हो जाए। टेस्ट ड्राइव तो तुमने लेनी है। हाँ पापा दे दे मुझे। चलो चलो क्या याद रखोगे, ये लो। थैंक यू पापा। ओए होए यार SUV तो पापा बिल्कुल आप पे सूट करती हैं। हाँ तुम ही पीछे पड़े हुए थे कि SUV लें। वैसे मेरा भी प्लान था, लैंड क्रूजर चलाई थी तो दिल आ गया था, और तुम कह रहे थे रेवो मंगा लें। अरे मैंने बोला यार डाले का फैशन चल रहा है, ज़रा डाला हो जाए तो क्या ही बात है। ओह माय गॉड इंटीरियर बहुत स्पेशियस है जिमी, सब कुछ हाई टेक है भाई। अच्छा ज़रा ध्यान से। हाँ पापा इतनी गाड़ियाँ चला रहा हूँ अपनी वर्कशॉप है, अभी भी आप डरते ही हैं। नहीं फिर भी मैं कह रहा हूँ ना नई गाड़ी है ना, पता नहीं होता ना। इसकी स्मूथ इतनी फील है भाई। अच्छा पता नहीं लग रहा अंदर बैठे हुए कि गाड़ी स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लग रही है। है ना मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, इंजन की तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल मर्सिडीज वाली फील है भाई। ये गाड़ियों की तो बात ही अलग है ना, अब जापानीज चलाओ तो उसमें पता लग रहा होता है। लेकिन पापा मैंने इसका सुना है कि भाई रेंज रोवर जो है ना ये 100,000 माइल जब चल जाती है ना इसका गियर बॉक्स ख़त्म हो जाता है, ये इसका मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। अबे ऐसे ही कहते हैं भाई, कहाँ से मैन्युफैक्चर फॉल्ट है यार, दुनिया पागल है जो ले रही है ये गाड़ी। अरे मतलब ये मैंने देखा था पार्क व्हील्स पे भी देखा था, सुनील मंजा ना वो बता रहा था। अरे भाई सुनील भाई कह तो सही रहे होंगे, लेकिन भाई अगर आप इसका प्रॉपर जो है वो फ्लूड्स चेंज करते रहो ना, इसके रिस्पेक्टिव फ्लूड, तो सही रहती है गाड़ी। इंजन ऑयल गियर ऑयल ये सही आप टाइम पे बदलते रहें तो गाड़ी मसला नहीं करेगी। हाँ जो ये नंबर आते हैं ना इतने माइल्स पे इतने आपने ऑयल डलवाना है तो वो करवा लें बंदा। इसको तो तुम्हें पता है मैं बिल्कुल डीलरशिप भेजूंगा, उसकी क्या टेंशन ले रहे हो। अभी वैसे भी मैं डीलरशिप भेजूंगा इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करवाने के लिए। गाड़ी है तो सही, ट्यूनिंग में करवा क्या, लेकिन फिर भी डीलरशिप वाले तो सही से देख लेते हैं ना ऑफिशियल रेंज रोवर की। अरे पापा मेरी वर्कशॉप भेज दो मैं देख लूँगा। अरे नहीं नहीं मैं ऑफिशियल भेजूँगा, वारंटी लूँगा यार। अरे पापा क्या हो गया, आप तो अपनी वर्कशॉप में मेरी कंप्यूटर से सारा काम कर देंगे, सारे मेरे पास कारीगर हैं A1। अच्छा हो जाएगा। अरे पापा मर्सिडीज आई हुई थी पिछली दफा, AMG आई हुई थी, BMW आई हुई थी, लेक्सस आई हुई थी, सबको करके दिया है भाई। हम तो अच्छे रेट पे करके दे रहे हैं, इसलिए लोग अपनी वारंटी ख़त्म करके हमारे पास आ रहे हैं। वाह क्या बात है, तुमने सही एम्प्लॉय रख लिए। अरे तो आप क्या समझ रहे हैं कि चमन भाई जैसे रखे हुए, चमन भाई तो हैं एक ऐसा कारीगर रखना होता है, बाकी तो पढ़े लिखे रखे हुए मैंने जो कंप्यूटराइज काम करते हैं। ओह अच्छा अच्छा हाँ सॉरी यार, मैं समझा था कि बिल्कुल ये चमन टाइप के मैकेनिक होंगे। चलो ठीक है फिर तुम देख लेना ट्यूनिंग वगैरह। अरे मैं ले जाऊँगा, फ्लेक्स भी तो करना है। हाँ स्टोरी जो तुमने लगा दी। अरे भाई स्टोरियों के रिप्लाई आ गए दोस्तों के भाई।
ज़्यादा नहीं डाला करो, स्टोरी नज़र लग जाती है। अरे कोई नज़र नहीं चल लगती, हाँ का लाल की कमाई है, कोई नज़र नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह। पापा आप ऑडी ले जाए, मैं लेकर जा रहा हूँ ये गैराज। हाँ हाँ ज़्यादा हो गया जिमी, अब तुम लेकर जाओ ऑडी, सही है, मैं ये गाड़ी लेकर निकलता हूँ। आप अभी कहाँ जाएंगे? अभी है काम, मुझे एक दो काम देखने। पापा फिर बताएं रात में मंडी चलें या कल सुबह चलें? तुम जैसे फ्री हो मुझे बताओ। अभी मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ, मैं देखूँगा कितना काम आया हुआ है उस हिसाब से। हाँ ठीक है। ये ना चाबी पापा। कहाँ घूम रहे हो? अरे ये तो नाम है, ये ना तो मैं यहीं देखता हूँ कि आज मेरा कितना काम है, तो अगर रात में मैं आ गया 9-10 बजे तक शॉप बंद करके तो फिर निकल जाएंगे 11-12 बजे तक, नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर में चलेंगे, क्या बोलते हैं? क्योंकि काम बहुत है ना, मैं आज दोपहर में नहीं जा सकता। नहीं नहीं काम पहले है भाई, काम पहले है, सही है। तुम मुझे बता देना क्या सीन है, और जगह भी करवानी थी यार, तुम्हें पता है बारिश का सीन हो गया ना तो मसला हो जाएगा। जगह तो हो जाएगी, जानवर पहले आ जाए ना। चलो ठीक है, वो देख लेंगे हम। ठीक है पापा, फिर मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओए होए अपने पास रेंज रोवर आ गए यार। बस यार बिजनेस ऐसे ही यार प्रॉफिट होना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तब खर्चे किए हैं यार। ये चीज़ मैंने पापा से सीखी है, हल्के हल्के प्रॉफिट हो तो सेविंग करो, उसके बाद अपनी मनपसंद की चीज़ें लो। मैंने भी यार स्पोर्ट्स कार तो ले ली थी, लेकिन मसला कर रही है, क्या करूँ यार, गाड़ी बन तो जाएगी अपनी, लेकिन यार क्या करूँ, रखूँ उसको या चेंज करूँ, तुम लोग बताओ। पैसे तो अच्छे खासे मेरे पास सेविंग है, लेकिन यार मैं चाह रहा हूँ ना इस बार मैं अपने पैसों से कुर्बानी करूँ। एक तो जानवर पापा लेंगे और एक मैंने अपना लेना है, तो यार मैं चाहता हूँ मैं अपने पैसों से लूँ, अब पापा जो है ना हिस्से की मेरी कुर्बानी ना करें। तो यार तुम लोग बताओ क्या करूँ, मैंने जानवर के लिए भी पैसे जोड़े हुए और सोचा था कि यार कुछ गाड़ी वाड़ी डालेंगे या फिर अपने बिजनेस में लगाऊँगा, तो तुम लोग बताओ क्या करना है। अभी तो ये नहीं पता कि भाई मेरी स्पोर्ट्स कार में डस्ट कितनी लगती है, मुझे क्या मसला हो गया उसमें, कट कट आवाज़ आ रही है भाई, सही मुझे लग रहा है एक्सेल गया। कितने कुत्तों की तरह मैं चलाता हूँ ना, तो काम तो निकल रहे हैं भाई, मेंटेनेंस बहुत हाई है भाई, सीधी बात है उस गाड़ी की। तुम लोग कमेंट्स में बताओ क्या सीन है। अभी तो मैं यार जुगाड़ लगवा रहा हूँ, अपनी प्रियस मैंने निकलवानी है, कसम खुदा कि अपनी प्रियस मेरे को वापस मिल जाए ना। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं दूसरे प्रियस क्यों नहीं ले रहा, नहीं नहीं वो जो मेरी प्रियस थी ना वो दिल से मैंने बनवाई थी भाई, फ्रेम लगवाया था उसका, क्या क्या मैंने गाड़ी दिल से बनाई थी, मैंने वो गाड़ी लेनी है भाई। उस वक्त तो मैं बच्चा सा था, मुझे इन लोगों ने चूतियाँ बना के मुझसे गाड़ी ले ली, अब मैं इनके गले से गाड़ी निकलवाऊँगा अपनी। गाड़ी का ट्रंक स्पेस देखते हैं यार कितना है, ओ ऊपर का भी खुलता है नीचे का भी, नाइस यार स्पेस तो बहुत है भाई, लैंड क्रूजर के मुकाबले में तो यार बहुत अच्छी लग रही है। सोचा यार अब थोड़ा JDM से निकलूँ SUV में, इसको ट्राई करूँ। मैंने वैसे मर्सिडीज AMG G-Wagon का सोचा हुआ था, लेकिन वो इतनी स्पेशियस नहीं है, तो मैंने सोचा यार रेंज रोवर ट्राई करते हैं, उसकी कस्टम भी वैसे क्लियर नहीं हो रही थी, 60 लाख रुपये लग रहे थे उसको इम्पोर्ट करने के लिए। ये रेंज रोवर तो यार मुझे पड़ी है 1.5 करोड़ की, और समझो इसकी मैंने 30 लाख ड्यूटी दी है, तो इतने की पड़ गई मुझे इम्पोर्ट करवा के गाड़ी। अब G-Wagon तो मुझे पड़ रही थी 1 करोड़ की, लेकिन मसला ये था 60 से 70 लाख उसकी ड्यूटी थी, तो मैंने सोचा नहीं यार ये गाड़ी है भी न्यू, वो 2010 का मॉडल था, ये 2022 है। खैर रेंज रोवर्स की बातें बहुत की हुई है लोगों ने कि भाई ये मसला होता है वो मसला होता है, मैंने बोला यार ट्राई करते हैं यार, क्या है जब तक गाड़ी ट्राई नहीं करेंगे खुद पता नहीं लगेगा। लेट मी चेक द हुड एज वेल। फुली पैक्ड इंजन है, अरे बिल्कुल कंचा गाड़ी है, ज़्यादा चली हुई भी नहीं है, हार्डली मेरे ख्याल में 5000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी, समझो इट्स गुड एज न्यू। अब लोग बोलते रहे हैं भाई कि रेंज रोवर ले ली क्या फ़ैसला कर लिया, वो तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो ही पता लगेगा, इसको मैं रनिंग में रखूंगा जैसे मैं अपनी गाड़ी रखता हूं, लेकिन ओवरऑल अभी जो फीचर्स मुझे नज़र आ रहे हैं ना बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, बेहतरीन। इसका जो पैनल है ना नेक्स्ट लेवल है, और कलर भी काफ़ी यूनिक लिया है मैंने, वैसे वाइट ग्रे ब्लैक जो हैं वो नॉर्मली कलर हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये जो है यूनिक कलर ये मुझे मिला ब्लू मेटालिक, तो ये मैंने ले लिया क्योंकि इसका इंटीरियर भी इसके साथ मैच कर रहा है। और गाइज मैंने जो है ये अपना वेयर हाउस बिल्कुल दोबारा, समझो ये तीसरी बार चेंज हुआ है, ये बिल्कुल अब यहाँ कंटेनर आएंगे तो यहाँ स्टोर हुआ करेंगे, समझो ये हमारा स्टोरेज वेयर हाउस है। अभी एक और सिटी में वेयर हाउस मैंने देखना है, लोकेशन मुझे अच्छी नहीं मिल रही इसलिए मैं फजूल में किसी जगह पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा। जिमी को अभी वर्कशॉप दिला के दी है,
तो वो तो उसकी ज़बरदस्त चल रही है और वो सही क्लाइंट पकड़ रहा है। मैंने पहले सोचा हुआ था कि रेंज रोवर की ऑफिशियल जो है डीलरशिप पे गाड़ी दूंगा, वारंटी लूंगा और उनसे ट्यून करवाया करूंगा, लेकिन जिमी कह रहा है कि भाई उसके पास अच्छे मैकेनिक्स हैं और उसने अच्छे टेक्नीशियंस जो हैं वो अपॉइंट कर लिए हैं। तो चलो अब जिमी के कहने में आ जाते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ ट्यून करने के लिए दे दूंगा। बाकी इसकी टेस्ट ड्राइव तो अभी देखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है मैं अभी इनिशियली मैंने ये ली है, अभी मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि भाई क्या इसका आउटकम है। फ़िलहाल तो भाई स्मूथ बहुत है चलने में और लुक वाइज तो तुम लोग देख ही रहे हो बहुत प्यारी लग रही है। कमेंट्स में तुम लोग ज़रूर बताना कि कैसा कलर और कैसा मॉडल लगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक कलर है और इतना ईजीली ये कलर अवेलेबल नहीं होता, बड़ा रेयर कलर है। तो मैंने सोचा यार ये गाड़ी मैंने इस कलर में कभी रखी नहीं है, खैर कोई भी गाड़ी मैंने इस कलर की नहीं रखी, तो मैंने सोचा यार ट्राई करते हैं, थोड़ी यूनिक लग रही है और फील ही अलग लग रहा है यार। थोड़ा सा इसको स्पीड चेक करें, इसकी लेन असिस्ट भी है इसमें। अभी जैसे मैं लेन असिस्ट ऑन करता हूँ, ये मैंने गाड़ी चला दी, ठीक है अब ये खुद देखो लेन में आ रही है। ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें, क्रूज़ कंट्रोल तो सब में ही होता है, क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें। अब मैं यहाँ से लेन जो है यूँ चेंज करता हूँ और ऐसे चलाता हूँ, अब लेन असिस्ट ऑन कर देता हूँ, ये वापस सीधी हो गई। बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन। थोड़ी स्पीड इसकी चेक कर लूँ ज़रा मैं। प्रॉपर इसकी टेस्टिंग तो होगी असल लॉजिटेक G923 पे, तुम लोग कमेंट्स में बताओ तो उसको भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है गाड़ी का तुम लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। बाकी मेरा मूड तो था कि जी वैगन लूँ, लेकिन मसला आ गया उसका। अगर ड्यूटी उसकी इतनी नहीं होती ना ज़रूर मैं उसको इम्पोर्ट करता। खैर वो भी शौक पूरा करेंगे, फ़िलहाल इसको ज़रा चेक करते हैं। ओह स्पीड बहुत है गाड़ी में, बहुत स्पीड है। ओह चलो भाई ब्रेकिंग भी चेक हो गई आज, बेहतरीन बेहतरीन गाड़ी। बस अब हमारे जो इस वीक के गोल्स हैं, एक सिटी में मैंने वेयर हाउस देखना है, कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा, लोकेशन ही अच्छी नहीं मिल रही, इतना क्राइम रेट है उस जगहों पे, तो वहाँ पैसे डालने का मैं सोच नहीं रहा। और जानवर लेकर आने हैं, जिमी भी इस साल अपनी कुर्बानी करने का बोल रहा है कि मैं अपने पैसों से जानवर लाऊंगा, तो बहुत प्राउड बात है ये मेरे लिए। तो अब देखना है कि भाई जानवर के क्या रेट चल रहे हैं। सुनने में आ रहा है भाई मंडी खूब चढ़ी हुई है, बहुत महंगाई है, ज़ाहिर सी बात है 300 से ऊपर डॉलर गया हुआ है, तो महंगाई तो होनी है ना। तो खैर जिमी अब करेगा अपनी कुर्बानी खुद, मैंने भी जानवर लेना है, वही हर साल की तरह एक बड़ा जानवर मैं लूँगा, एक जिमी लेगा और बकरे ले लेंगे, वरना पहले तो सारे मैं ही करता था सबकी तरफ से, अब जिमी अपनी तरफ से कर रहा है, कह रहा है मैं पूरा जानवर लाऊंगा। ठीक है भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, बंदा जिम्मेदारी संभाल रहा। तो अब देखते हैं भाई मंडी का क्या हिसाब किताब है। मैं तो चाह रहा हूँ कि लोकल किसी मंडी से हम लोग जानवर परचेस कर लें, क्या किसी को शो ऑफ करना, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं अशरफ भाई के पास सुना है कि अच्छे जानवर आए हैं इस बार, मेरे ख्याल में ट्रेवर ने लगाई है, तो ट्रेवर ने ज़ाहिर सी बात अच्छे जानवर मंगवाए होंगे, तो चलो देख लेंगे। लेकिन है तो अशरफ ना, ये हमेशा चूना लगाता है और ये देख लेगा ना कि मोटी पार्टी हैं हम लोग, ये जान करके लगाएगा। खैर हम भी कम नहीं है, बार्गेन तो करेंगे, मुझे रेट तो पता है क्या चल रहे हैं आजकल। वैसे मेरा प्लान था कि हम भी कहीं फार्म से जाके उठाएं, लेकिन बिजनेस में ऐसे लगे हुए ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बस कल या परसों हम लोग निकलेंगे और जानवर लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़े ही दिन बचे हैं, एक वीक रह जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले पहले आ जाए, सेटअप सारा हो जाए, तो एक रौनक हो जाती है घर में। तो बस जानवर लेने हैं, बाकी तुम लोगों ने गाड़ी के बारे में बताना है कमेंट्स में, हाउ डिड यू लाइक माई रेंज रोवर, कलर वगैरह सब कुछ कैसा लगा है। बाकी ओवरऑल टेस्टिंग बहुत जल्द होगी लॉजिटेक G923 के सेटअप के साथ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।